Hello students, in this video we are going to do our NCERT example 5.6. In example 5.6 we have got certain figures of the filled line और हमसे पूछा गया है कि out of which filled line are correct and which filled line are not correct regarding to the magnetic field line. Okay, we have the two type of field line, electric field line and magnetic field line. So the figure which we have got, they are regarding to the magnetic line. बस हमें बताना है कि क्या वे सही हैं या गलत हैं. Let's see one by one. So dear student, we have some figures regarding to the magnetic line. और अगर एग्जाम में से कोई भी इनमें से एक आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि आधे करेक्ट और नॉट, तो हाउ वी विल जस्टिफाई, लेट्स सी. सो डू वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फिगर ए. इन दिस फिगर वी हैव अ वायर, ओके, एंड अराउंड द वायर वी हैव दीज फील्ड लाइन. तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है? तो प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को याद करें, अगर हमारे पास कोई वायर होता है, इफ वी हैव अ वायर, और उस वायर में इफ वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट, ओके, तो किसी भी स्ट्रेट वायर में जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अगर हमारे पास एक वायर है और उसमें कुछ करंट है, ओके प्यारे बच्चों, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड produce around a current carrying wire is in circular shape. Hence, the given figure not represent magnetic field. Lines. It may be electric field line. ये जो line है ये magnetic तो बिल्कुल नहीं होंगे. हाँ, electric हो सकती है. मान लीजिए यहां पर कोई charge consider कर लिया जाए, अगर यहां पर कोई positive charge consider कर लिया जाए तो ये क्या होंगे? Electric line. ये wire, wire के पास कोई positive charge तो उससे ऐसे बाहर की ओर electric line निकलेंगी. लेकिन अगर हमारे पास कोई वायर है और उसमें करंट आई है तो मैग्नेटिक लाइन तो सर्कुलर होती है. तो द फिगर ए डज नॉट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन. हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन को जरूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो है ये इलेक्ट्रिक लाइन हो सकती है, पर मैग्नेटिक लाइन तो बिल्कुल नहीं होंगे. तो फिगर ए क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए नाउ वीडियो को पॉज करके You can write the solution of this. इसका justification लिख सकते हैं. Okay? चलिए मिटा दें, वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा. चलिए मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. Now come to the solution of part B. Solution of part B. We have some field line and they are crossing to each other.
तो इसमें तो इट इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वन, क्योंकि आपको मालूम है चाहे इलेक्ट्रिक लाइन हो चाहे मैग्नेटिक लाइन हो, कैसी भी लाइन हो, इलेक्ट्रिक लाइन और मे बी मैग्नेटिक लाइन, उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और उनमें से एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सिंस फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, सिंस फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हेंस द गिवन फिगर इज रॉन्ग। ये फिगर क्या है? रॉन्ग इलेक्ट्रिक लाइन के लिए भी और मैग्नेटिक लाइन के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती किसी के लिए भी। ओके चलिए, तो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ फिगर बी। नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करके लिख लिया हो आपने, मिटा दे मिटा दे। चलिए नाउ फिगर सी। ओके फिगर सी को अगर आप देखेंगे तो देखते ही जो समझदार बच्चा को वो एकदम क्लिक करेगा कि द गिवन फिगर इज फॉर टॉरॉइड। जब हम दिस इज सोलेनोइड, और सोलेनोइड को जब हम सर्कुलर शेप देते हैं तो टॉरॉइड, और टॉरॉइड के ना तो बाहर आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ना ही इनर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है। आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इनर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इनसाइड उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और कैसे? गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। पिछला हमने जो एग्जाम्पल किया था सॉलिड एग्जाम्पल, वहां भी इस बात का जिक्र आया था कि टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलेट करता है, गोल गोल घूमता है, पता ही नहीं चलता कि स्टार्ट कहां से और खत्म कहां से हो रहा है, बस लगातार गोल गोल घूमता रहता है। तो फिगर सी इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड एंड दिस इज करेक्ट वन। फिगर सी का जस्टिफिकेशन देखिए, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड, हेंस इट इज करेक्ट, सही है। ओके चलिए नाउ डू द फिगर डी। डन कर लिया। चलिए फिगर डी का जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, फिगर डी में हमें एक सोलेनोइड गिवन है, वी हैव अ सोलेनोइड। ओके, और सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता, वो हमेशा थोड़ा सा कर्व फॉर्म में होता है, समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से। ओके अगर ये फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा कर्व शेप में होती, तो ये फिगर क्या होता? करेक्ट होता। लेकिन ये फिगर रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन है वो कभी भी पैरेलल नहीं होती, दे आर स्लाइटली इन कर्व शेप। तो इन सोलेनोइड द मैग्नेटिक लाइन आर इन कर्व शेप, हेंस नॉट इन इन कर्व शेप, नॉट
in straight form, not in straight form. Hence, the given figure is wrong. जो गिवन फिगर वो क्या है, रॉन्ग है. तो इसको नोट कर लीजिए. ओके, रिटन मिटा दे, मिटा दे. चलिए ओके. नाउ गो द फिगर ई, इसको देखते हैं. फिगर ई को अगर आप देखेंगे तो इस फिगर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है. इट इज परफेक्टली मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट. ठीक है, एक बार मैग्नेट किस तरह से मैग्नेटिक लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये वही है. तो इस फिगर में कहीं भी कोई रॉन्ग नहीं है. जिस बच्चे को एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड याद होगा वो देखते ही बता देगा दिस गिवन फिगर इज करेक्ट. तो द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट. Hence, it is correct. कहीं से कहीं भी कोई indication नहीं है. क्यों प्यारे बच्चों, अपनी NCERT के पेज नंबर 175 पर अगर आप जाते हैं तो वहां आपको पेज 175 वहां आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तीन चीजों का. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, तो अगर आपको ये फिगर याद होंगे तो देखते ही आप बता देंगे द गिवन फिगर इज करेक्ट. ओके, चलिए. तो फिगर ई में कोई डाउट नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद फिगर एफ, इसमें अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये जो फिगर है ये क्या है, एक्चुअली ये मैग्नेटिक लाइन है ही नहीं, ये है इलेक्ट्रिक लाइन. दिस वन इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट. आप कहेंगे ठीक है कि हम इसको नॉर्थ और साउथ क्यों नहीं मान सकते. दिमाग में आपके बात आ सकती है कि सर आपने इसको पॉजिटिव ही क्यों लिया, आपने इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिया, वो नॉर्थ क्यों नहीं लिया और इसको साउथ क्यों नहीं लिया. बिल्कुल आपकी बात वाजिब है कि व्हाई वी हैव नॉट कंसीडर्ड इसको नॉर्थ और इसको साउथ. तो पहले बच्चों कभी भी इंडिविजुअली एक मोनोपोल मैग्नेट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता. मैग्नेट के लिए जब भी एक नॉर्थ और साउथ होंगे वे सिंगल बॉडी में होंगे. देखिए मैग्नेट के लिए नॉर्थ और साउथ एक साथ तो होते ही हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक सिंगल बॉडी में होते हैं. ऐसे नहीं होता कि नॉर्थ किसी और बॉडी में और साउथ किसी और बॉडी में. जैसे एक बार मैग्नेट है उसके एक कोने में नॉर्थ होता है, दूसरे कोने में क्या होता है, साउथ होता है. लेकिन होते तो वो एक ही बॉडी में, ऐसे तो है नहीं कि इसमें नॉर्थ और इसमें साउथ, इसमें पूरे में नॉर्थ और इसमें पूरे में साउथ, पर ये मैग्नेट बन गए. नहीं, एक ही बॉडी में नॉर्थ होगा और वहीं आसपास क्या होगा, साउथ. तो अगर आप देखेंगे तो ये एक अलग प्लेट है, दिस इज डिफरेंट प्लेट
एंड दिस इज डिफरेंट प्लेट। तो चूंकि नॉर्थ और साउथ नहीं है तो डेफिनेटली क्या होंगे, प्लस माइनस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल प्लस और सिंगल माइनस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक सिंगल बॉडी, ये एक सिंगल बॉडी, इस पे प्लस हो सकता है, इस पे माइनस हो सकता है। नाउ दे आर परफेक्टली रिप्रेजेंटिंग द क्या, इलेक्ट्रिक लाइन। क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रिक लाइन हो सकती है पर मैग्नेटिक लाइन तो नहीं हो सकती। ओके, तो फिगर एफ के बारे में ध्यान देंगे। द गिवन फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन, दे मे बी इलेक्ट्रिक लाइन्स फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन मैग्नेटिक लाइन नहीं होगी, ये कंफर्म है। ओके, चलिए, तो दिस वन इज द एफ वन। तो अभी तक हमारे दो ही करंट निकले हैं, सी इज करंट, ई इज करंट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, बाकी तो नहीं है। चलिए लेट कम टू द लास्ट वन। जी, जी जो है वो फिगर रॉन्ग है। क्यों? रीजन बता देते हैं। देखिए, ये एक अपने आप में पूरी सिंगल बॉडी है, दिस वन इज प्योरली सिंगल बॉडी। ओके, चलिए अब अगर हम यहां नॉर्थ और यहां पर साउथ बना देते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। पहली बात तो नॉर्थ और साउथ जो होते हैं वो सिंगल बॉडी में है, तो ये हमारी एक सिंगल बॉडी है, यहां नॉर्थ और यहां साउथ। तो जब नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन चलेंगे तो जरा ध्यान देना एक्चुअली उसकी शेप क्या होगी। जो मिडिल है वो वाली शायद स्ट्रेट चली जाए, लेकिन बाद वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होंगी, वो थोड़ी सी क्या होंगी, कर्व शेप में होंगी। इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो यहां इसने क्या बोला है, इसने नॉर्थ से साउथ के बीच में जो मैग्नेटिक लाइन है वो स्ट्रेट निकाल दी है, तो जो बीच वाली लाइन है वो स्ट्रेट हो सकती है, लेकिन उसकी जो दाएं बाएं साइडर वाली जो नेवर लाइन है वो कभी भी सीधी नहीं होगी, दे विल बी कर्व शेप। तो द मैग्नेटिक लाइन्स नेवर मूव इन स्ट्रेट पैटर्न, वरना तो फिर ये भी सही नहीं हो जाता। ये हमारी सोलेनोइड, सोलेनोइड में करंट, तो एक तरफ नॉर्थ बन जाएगा एक तरफ साउथ और सीधी चल जाएगी, फिर तो ये भी सही हो जाता। लेकिन सोलेनोइड के अंदर भी क्या होती है, कर्व शेप होती है। ठीक है, यहां भी क्या है, कर्व शेप में। क्लियर हो गया? नॉर्थ से निकलते ही एकदम कर्व हो जाती है, साउथ जब एंटर होती है तो कर्व होती है। ठीक है, हाँ बीच वाली जो होती है, मान लीजिए कई सारी मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, तो जो बीच वाली है वो शायद स्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन बाकी तो कर्व शेप में होंगे। द मैग्नेटिक लाइन नेवर मूव इन स्ट्रेट पैटर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हेंस Hence, given figure is wrong.
तो ये आपको समझाने की कोशिश की गई है बहुत ही सिंपल तरीके से। वैसे तो हम वो दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। इसमें एक मैं आपको बता दूं, समझाने का एक तरीका और है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ठीक है ना कंसीडर नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो बिना उसको कंसीडर करे भी हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन है या नहीं है। और कई बार बच्चों को थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन दें तो बच्चे इस बात को इजीली क्या क्लियर कर जाते हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये न्यूमेरिकल कराने की कोशिश की गई है, होप आपको क्लियर हो गया होगा।